हेलो एवरीवन, आई एम खुशबुटा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने रोटेशनल मोशन पे एक कॉन्सेप्ट सीखा था वेलोसिटी का। अगर अपन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती है पी पार्टिकल की, पी पार्टिकल क्या है, सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट होता है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, फिर अपन सेंटर ऑफ मास पे खुद को एज्यूम करके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पी पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे अपन निकालेंगे एक क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन अपन को गिवन है फाइंड स्पीड ऑफ ए बी सी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे अपन को एक रिंग दे रखी है, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो 4 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे अपन को यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे अपन को क्या दे रखी है, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है। लीनियर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी अपन को दे रखी है 3 रेडियन पर सेकंड। रेडियस अपन को दे रखी है 1 मीटर। सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी तीनों ही पार्टिकल के अपन को क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। इससे पहले अपन देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या कॉन्सेप्ट देखा था। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन को पी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी होती है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पी पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को निकालनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, फिर अपन खुद को सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके पी पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे। तो पी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या देखेंगे अपन, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों का अपन को सम क्या मिलेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पी पार्टिकल की वेलोसिटी। वापस इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर अपन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अपन ग्राउंड पे खड़े हैं और अपन को यहाँ पे एक रिंग है वो क्या कर रही है, गोल गोल आगे बढ़ रही है, तो अपन को पी पार्टिकल का अपन को देखनी है वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, फिर अपन खुद को सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके पी पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे। तो जब अपन खुद को सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करेंगे तो पी पार्टिकल अपन को कैसा मिलेगा, सर्कुलर वे में मिलेगा। तो सर्कुलर में कौन सी वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके पास में आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, वी सेंटर ऑफ मास और पी पार्टिकल की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अपन को क्या मिल जाएगी, आर ओमेगा मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पी पार्टिकल की अपन को वेलोसिटी मिलती है। अब यहाँ पे अपन ए बी सी तीनों पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, आर ओमेगा, यहाँ पे भी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट के पास में दो वेलोसिटी होगी, कौन कौन सी होगी, एक तो सेंटर ऑफ मास की और एक क्या होगी, आर ओमेगा। अब आर ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज, तो ए पॉइंट पे अपन को आर ओमेगा कैसा मिलेगा, टेंजेंट के अलोंग, सेंटर ऑफ मास तो जा रहा है आगे की तरफ और आर ओमेगा क्या जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ए पॉइंट पे अपन को इस तरीके से मिलेगा। अब देखते हैं अपन बी पॉइंट पे, तो आर ओमेगा अपन को क्या मिलेगा, टेंजेंट के अलोंग, तो यहाँ पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगी आर ओमेगा। इस पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जा रहा है आगे की तरफ, तो वी अपन को मिलेगा आगे की तरफ। अब देखते हैं अपन सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी अपन को, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन को कैसे मिल रही है, आगे की तरफ। अब यहाँ पे सी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट भी अपन को क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन में मिलेगा, टेंजेंट भी अपन को मिल रहा है सेम डायरेक्शन में, आर ओमेगा। अब यहां से अपन आर ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आर ओमेगा अपन को क्या मिला है, 3 मिला है। अब देखते हैं अपन डिफरेंट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे देखते हैं, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वी और आर ओमेगा दोनों की डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेंगे, वी माइनस आर ओमेगा। वेलोसिटी अपन को कितनी मिल रही है, वी 4, आर ओमेगा की वैल्यू अपन के पास में आई है 3, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी अपन को कितनी मिल गई, 1 मिल गई है। अब यहाँ पे देखते अपन बी पॉइंट पे, बी पॉइंट में वेलोसिटी तो जा रही है इस तरफ और आर ओमेगा जा रहा है ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। अब यहाँ पे दोनों ही क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर का अपन क्या करते हैं, सम करते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अपन निकालते हैं रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस 2R1R2 cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पे अपन को रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। v की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। b पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी कितनी मिल रही है, 5 मीटर पर सेकंड मिल रही है। a पॉइंट पे अपन को मिल रही है 1 मीटर पर सेकंड,
बी पे मिल रही है अपन को 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं अपन सी पे, तो सी पे अपन को दोनों की डायरेक्शन कैसे मिल रही है, सेम मिल रही है। वी एंड आर ओमेगा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सी पॉइंट पे अपन को मिलेगा वी प्लस आर ओमेगा, वैल्यू मिल जाएगी 4 प्लस 3, तो ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा अपन को स्पीड कहाँ पे मिल रही है, सी पॉइंट पे, फिर मिल रही है बी पॉइंट पे, और सबसे कम कहाँ मिल रही है, ए पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है, जस्ट ऑपोजिट मिल रही है। तो मिनिमम स्पीड अपन को मिलती है ए पॉइंट पे, और मैक्सिमम स्पीड अपन को कहाँ मिलती है, सी पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट पे अपन को दोनों की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है, जबकि सी पॉइंट पे अपन को दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर अपन को मिल रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी अपन को मिल रही है सी पॉइंट पे, और मिनिमम वेलोसिटी अपन को मिल रही है ए पॉइंट पे। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे अपन को एक रिंग दे रखी है, सर्कमफेरेंस पे अपन एक पॉइंट ले लिया है पी, फाइंड वेलोसिटी एट पी, पी पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, जबकि अपन को एक कंडीशन दे रखी है ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। यहाँ पे अपन को कंडीशन दे रखी है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में अपन को रिलेशन दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या लिखनी है, वी अपॉन आर लिखनी है। अब अपन देखते हैं पी पॉइंट को, तो पी पॉइंट को, पी पॉइंट के पास में दो तरह की वेलोसिटी आएगी, एक आएगी वी सेंटर ऑफ मास और एक आएगी आर ओमेगा। तो यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास तो अपन को मिलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आर ओमेगा अपन को कहाँ मिलेगा, टेंजेंट के, तो P पॉइंट पे अपन एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अपन को बता रखा है कि जो P पॉइंट है वो P पॉइंट क्या बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे अपन को P पॉइंट की अपन को क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो किसी भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे अपन देखते हैं, सर्कमफेरेंस पे ऑलवेज क्या होती है, दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है सेंटर ऑफ मास की और एक होती है आर ओमेगा। तो P पॉइंट के पास में भी दो वेलोसिटी है, एक है वेलोसिटी, एक है लीनियर वेलोसिटी और एक है अपने पास में आर ओमेगा। अब अपन को क्या करना है, दोनों का जब अपन सम कर देंगे तो P पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का अपन सम किस तरीके से करते हैं, अगर अपन को दो वेक्टर दे रखे होते हैं तो अपन क्या करते हैं, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू कॉस थीटा, और इसका ले लेते हैं अपन रूट। तो इस तरीके से अपन को क्या मिलता है, दो वेक्टर का अपन को सम इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे अपन को वेक्टर दे रखा है v और r ओमेगा, तो पहले तो अपन निकालते हैं कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं r ओमेगा, r ओमेगा ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है, तो r ओमेगा टेंजेंट के अलोंग होगा, तो यहाँ तक ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे अपन को ये वाला एंगल निकालना है, मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, एक्स है। अब अगर अपन इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये अपन को यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। इसी एंगल को अपन बाहर लेके आ जाते हैं, यहाँ पे अपन को मिल रही है वेलोसिटी, मिल रही है वेलोसिटी क्या होगी, आगे की तरफ होगी, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया 90, और ये हो गया अपने पास में एक्स। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के एंगल का सम अपन को कितना मिलता है, 180 मिलता है। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x अपन को क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो x की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल अपन को कितना मिल रहा है, 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो आर ओमेगा, आर ओमेगा और वेलोसिटी दोनों के बीच में एंगल अपन को कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है अपन को 90, और ये मिल रहा है अपन को 90 माइनस थीटा। दोनों अपन को सम कितना मिल गया, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे अपन के पास में दो वेक्टर भी है, इनके बीच में एंगल भी है, तो यहाँ से अपन इसका रिजल्टेंट आराम से निकाल देंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी अपन को कितनी मिलेगी। यहाँ पे अपने पास में दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अपन ने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस टू वी आर ओमेगा कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब अपन को यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है आर ओमेगा, आर ओमेगा की टर्म अपन को क्या दे रखी है, वी अपॉन आर, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह अपन लिखेंगे वी अपॉन आर, तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर ओमेगा अपन को किसके इक्वल मिला है, आर ओमेगा अपन को मिला है वी के इक्वल। तो यहाँ पे आर ओमेगा की जगह अपन क्या टर्म यूज कर सकते हैं, वी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन वापस पुट करेंगे आर ओमेगा की जगह वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
प्लस टू वी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा. कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है. तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे यहां तक अपन ने सॉल्व किया तो अपन को ये मिलता है v स्क्वायर प्लस 2 v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा. cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा. तो यहां पे अपन ने लिख दिया माइनस cos थीटा. यहां से अपन को 2 v स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है तो 2 v स्क्वायर को अपन ने सेपरेट कर दिया. तो यहां पे अपन को मिलता है 1 माइनस cos थीटा. अब यहां पे अपन यूज करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा को अपन लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा. 2 साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे एंगल का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. 2 आगे आ जाता है और जो यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है. यहाँ पे अपन ने लिया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा. तो यहाँ पे अपन को आंसर मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो ये एंगल क्या है? इसका हाफ है. अब यहाँ पे अपन को क्या दे रखी है इक्वेशन? 1 माइनस कॉस थीटा. तो 1 माइनस कॉस थीटा को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 साइन स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या होता है आंसर में? जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है. अब यहाँ पे अपन को एंगल कितना गिवन है? थीटा. तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2. तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह अपन क्या यूज करेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. तो यहाँ पे अपन को ये टर्म मिलती है. अब यहाँ पे अपन ले लेंगे रूट. अंदर अपन को रूट मिल रहा है 4, तो इसका अपन को रूट मिल जाएगा 2 वी साइन थीटा अपॉन 2. तो अपन को P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी मिल रही है? P पॉइंट की वेलोसिटी अपन को मिल रही है 2V sin थीटा अपॉन 2. और यही है आंसर. कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में होती है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट होता है उसकी अपन वेलोसिटी निकालते हैं. तो उसके पास दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है लीनियर और एक होती है रोटेशनल. तो यहाँ पे इसके पास दो वेलोसिटी है, एक है वी और एक है आर ओमेगा. ओमेगा की टर्म अपन को दे रखी है, ओमेगा का अपन को रिलेशन दे रखा है वी अपॉन आर. ये वैल्यू अपन को पुट करनी है. तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. एंगल मिलता है अपन को 180 माइनस थीटा. यहाँ पे अपन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं और अपन को रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी मिलती है? 2v sin थीटा अपॉन 2. तो p पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को मिलती है 2v sin थीटा अपॉन 2.